नमस्कार जी, मैं हाँ तुहाड़ा अपना बलविंदर हाली ते तुसी देख रहे हो पंजाब डेयरी। फरीदकोट जिले के दौरे ते कल पहली बार मुख्यमंत्री बनने तो बाद चरणजीत सिंह चन्नी आ रहे ने ते ओ कोटकपूरा विखे एक वड्डा इकट्ठ कर रहे ने। इस नूं लैके सारे कांग्रसी तैयारियां विच लगे हुए ने। कांग्रसियां नूं कई उम्मीदां ने ते भारी उत्साह ते चाव विच दिखाई दे रहे हैं। चरणजीत सिंह चन्नी दे दौरे नूं लैके किस तरह दीआं तैयारियां हो रही हैं, की कांग्रसियां नूं उम्मीदां ते कांग्रसियां विच किस तरह का उत्साह, इस संबंधी असीं वख-वख आगूआं दे नाल गल कीती। सारिआं ने यह कहा कि चरणजीत सिंह चन्नी दा जिहड़ा दौरा उस नूं लैके पूरे मालवे दीआं सीटां ते आउण वालीआं विधानसभा चोणां दे विच वड्डा फर्क पवेगा, वड्डा हुलारा मिलेगा कि यह दौरा पूरे मालवे दीआं सीटां ते भारी असर करेगा। पर कुशलदीप सिंह ढिल्लों तो जो इस बारे पूछा गया, गल की गई, तो उन्हें स्पष्ट किया कि इस तरह दीआं उम्मीदां होर की असी रख सकते हैं कि पंजाब दे पहले मुख्यमंत्री आ चरणजीत सिंह चन्नी, जिहड़े लोगों के मुख्यमंत्री आ, गरीबों के मुख्यमंत्री आ, तो हर वर्ग के मुख्यमंत्री आ, हर वर्ग में प्यारे जाने वाले मुख्यमंत्री आ। उन्होंने कहा कि 4.5 साल दौरान जो विकास काम होए पंजाब ते फरीदकोट जिले तो इलावा फरीदकोट हल्के दे विच जो पैसा आया, उन्हें कहा कि 25 साल के समय दौरान वख-वख सरकार रहियां, इन्ना पैसा कदे नहीं आया ते कदे इन्ना विकास नहीं होया। इस बारे उन्हें स्पष्ट किया कि किसी भी विरोधी नाल लाइव बैठ के गलबात करन ते इस विषय ते बहस करन लई भी तैयार हैं। उन्हें कहा कि चरणजीत सिंह चन्नी दा फरीदकोट दौरा कांग्रसियों विच भारी चाह ते उत्साह भर जाएगा ते होर उत्साह दे नाल ओ आउण वालीआं चोणां लई तैयार हो जाणगे। मुख्यमंत्री दा दौरा कल उस नूं लैके की उम्मीदां जताईआं जा रहीआं, कांग्रेस किस तरह दा उत्साह? कल मुख्यमंत्री साहब ने कोटकपुरे आना, सो उत्थे वर्करां नूं एड्रेस करना। मैं समझदा कि कांग्रेस वर्करां विच बड़ा चाह है, बड़ा उत्साह है, तो खास करके जिले के लोगों च बड़ा उत्साह है, क्योंकि किहो जिहा मुख्यमंत्री है जिहड़ा हरेक की गल सुणदा, हरेक का काम करदा, हरेक दे दुख सुख विच जांदा। तो मैं समझदा कि बड़ी देर बाद पंजाब विच इहो जिहा मुख्यमंत्री लोगों नूं देखण नूं मिलिया जिहड़ा लोगों का मुख्यमंत्री होवे। सो लोगों च बड़ा उत्साह, कांग्रेस वर्करां च बड़ा उत्साह। किस तरह दीआं उम्मीदां कर रहे हैं आपां उन्हां दे दौरे नूं लैके? यार दब के कांग्रेस पार्टी जे जिले विच कम चल रहा, डिवेलपमेंट तगड़े हो के हो रही है। मैं ये नहीं कहिंदा मेरे नाल कोई विरोधी सज्जन टेबल ते बह के प्रेस सामने बहस कर ले। जिन्ना पैसा 4.5 साल फरीदकोट जिले च लग्या, तो खास करके फरीदकोट हल्के च लग्या, जे पिछले 25 साल इन्ना लग्या होवे ते मैं सरदार जी इलैक्शन नहीं लड़दा। देखो जी, सरदार चरणजीत सिंह चन्नी साहब और ने जदों तो पंजाब सरकार की वागडोर संभाली है और सारी पार्टी दे विच, पार्टी वर्करां दे विच बहुत वड्डा उत्साह भरिया गया, क्योंकि ये एक आम लोगों के विचों विचरे हुए नेता और पहला म्यूनसिपल कमिश्नर रहे, फिर कमेटी के प्रधान रहे और उस तो बाद लोगों के विचर के ही ये नेता बने, मंत्री रहे और लोगों के जिहड़े उन्होंने काम किए, खास करके बिजली के बिल माफ़ किए और बिजली का जिहड़ा दरां घटाइया, उहदे च सब तो वड्डी गल जिहड़ी कीती है, ये पहली बारी हुई है कि जनरल वर्ग नूं भी इहदे विच छूट मिली है। सो सारे वर्ग ही बड़े उत्साहित है और इन्हां गल्लां तो, क्योंकि लोगों वल्लों इस गल की तारीफ हो रही है और उहदे नाल जिहड़े कांग्रेस के वर्कर है उन्हां च बहुत वड्डा उत्साह भरिया जा रहा है। सो अज के जमाने जिस तरह पहला लगता हुंदा सी वी जो 2 महीने रह जांदे सी सरकार वोटां पैण दे विच ते लोकी उल्ट होने शुरू हो जांदे सी, पर हुण इस वार जिहड़ा सगों लोगों का रुझान ज़्यादा सरकार वल हो रहा, सो उहदे करके कांग्रसी वर्करां च बहुत वड्डा उत्साह है ते बहुत वड्डा इकट्ठ उन्हां दे स्वागत दे लई चन्नी साहब दे कोटकपूरा विखे होऊगा। बहुत, मैं समझदा बहुत ज़्यादा उत्साह, क्योंकि बड़ी लंबी देर तक जिहड़े कांग्रेस पार्टी दे वर्कर सी उन्हां दे चरणजीत सिंह चन्नी दे आउण नाल, सर नवजोत सिंह सिद्धू दे प्रधान बनण दे नाल एक नवां उत्साह जागिआ, बड़े लोग नेड़े तो हो के उन्हां दे विचार सुनना चाहुंदे ने। और मैं यह भी बेनती करदा कि जिथे साडे फरीदकोट की इत्थे नुमाइंदगी साहब कुशलदीप सिंह ढिल्लों प्रधान पंजाब मार्क फैडो कर रहे हैं, उत्थे कोटकपूरे ते जैतो दा भी जिहड़ा हैगा उह छेती उन्हां नूं जिहड़ा आउण वाले साडे इलैक्शन लड़ाउण जा रहे हैं उन्हां दा भी जरूर इस देश फैसला करना चाहिए। देखो लोगों के मन के है भी कल आने जरूर कोई ना कोई वह सानू संदेश दे के जाएंगे।
जिहड़ा कल साडे सीएम चरणजीत सिंह चन्नी दा कोटकपुरे हलके दा दौरा है। इहदे नाल उम्मीद है कि पूरे मालवे दी दशा ते राजनीति दी दिशा ये दोनों चीज़ां बदल जाणगियां, क्योंकि जिहड़े पिछले साढ़े चार पौने पाँच साल दे विच कांग्रेस पार्टी ने विकास दे कम कीते ने, ये उन्हां नूं गति नूं रफ्तार तेज़ होर करन लई जिहड़ा साडा दौरा है मुख्यमंत्री साहब दा, इहदे नाल कल्ले फरीदकोट जिले नूं नहीं पूरे मालवे नूं एक बहुत वड्डा हंगारा मिल जा रहा है। तो इत्थों पूरियां दियां पूरियां जिन्नियां वी साडे मालवा बैल्ट दियां सीटां ने उह कांग्रेस वड्डी मेजोरिटी नाल जित्तूगी। पिछले पौने पाँच साल तो ही विकास की गति भावें कोटकपुरा होवे, भावें जैतो होवे, भावें फरीदकोट होवे, उन्हां दी योग अगवाई थले चल रही है। तो उस तों बाद जिहड़े साडे फरीदकोट हलके दे विधायक ते पंजाब दे मार्कफट दे चेयरमैन ने, इन्हां दी पूरे जिले उत्ते हमेशा सवली निगाह रही है। भावें जैतो हलका होवे, भावें कोटकपुरा होवे, चाहे फरीदकोट होवे, इन्हां दी अगवाई दे थले पारदर्शता तरीके दे नाल जिहड़े विकास दे काम बड़े सुचज्जे तरीके नाल कराए गए। एक बार तुहानूं बेनती कर देवां कि अगर तुसीं साडे चैनल ते अज नवे हो ते हाले तक साडा चैनल फॉलो नहीं कीता तां कृपा करके इस नूं फॉलो कर लो, तां कि जदों वी असीं कोई वीडियो पाईए तां तुहानूं उसदा पता लग सके। साडियां खबरां, साडा तरद्दद, साडियां कोशिशां अगर तुहानूं चंगीयां लगदियां तां इहनां नूं अपने दोस्तां दे नाल अपने ग्रुपां दे विच शेयर जरूर करो। नमस्कार जी, मैं हाँ तुहाडा अपना बलविंदर हाली ते तुसीं देख रहे हो पंजाब डेयरी। फरीदकोट जिले के दौरे ते कल पहली बार मुख्यमंत्री बनने तो बाद चरणजीत सिंह चन्नी आ रहे हैं ते वो कोटकपुरा विखे एक वड्डा इकट्ठ कर रहे हैं। इस नूं लेके सारे कांग्रेसी तैयारियां विच लगे हुए ने, कांग्रेसियों नूं कई उम्मीदां ने ते भारी उत्साह ते चाह विच दिखाई दे रहे हैं। चरणजीत सिंह चन्नी दे दौरे नूं लेके किस तरह दियां तैयारियां हो रही, की कांग्रसियों उम्मीदा ते कांग्रसियों विच किस तरह का उत्साह, इस संबंधी असी वख वख आगुआं दे नाल गल कीती। सारिया ने यह कहा कि चरणजीत सिंह चन्नी दा जिहड़ा दौरा उस नूं लै के पूरे मालवे दियां सीटां ते आउण वालियां विधानसभा चोणां दे विच वड्डा फर्क पवेगा, वड्डा हुलारा मिलेगा कि यह दौरा पूरे मालवे दियां सीटां ते भारी असर करेगा। पर कुशलदीप सिंह ढिल्लों तो जदों इस बारे पूछा गया, गल की गई, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरह दियां उम्मीदां होर की असी रख सकते हैं कि पंजाब दे पहले मुख्यमंत्री आ चरणजीत सिंह चन्नी जिहड़े लोकां दे मुख्यमंत्री आ, गरीबां दे मुख्यमंत्री आ ते हर वर्ग दे मुख्यमंत्री आ, हर वर्ग विच प्यारे जाण वाले मुख्यमंत्री आ। उन्होंने कहा कि साढ़े चार साल दौरान जो विकास काम होए पंजाब ते फरीदकोट जिले तो इलावा फरीदकोट हल्के दे विच जो पैसा आया, उन्हें कहा कि 25 सालां दे समय दौरान वख वख सरकारां रहियां, इन्ना पैसा कदे नहीं आया ते कदे इन्ना विकास नहीं होया। इस बारे उन्हें स्पष्ट किया कि किसी भी विरोधी नाल लाइव बैठ के गलबात करन ते इस विषय ते बहस करन लई भी तैयार हैं। उन्हें कहा कि चरणजीत सिंह चन्नी दा फरीदकोट दौरा कांग्रसियों विच भारी चाह ते उत्साह भर जाएगा ते होर उत्साह दे नाल ओ आउण वालियां चोणां लई तैयार हो जाणगे। मुख्यमंत्री दा दौरा कल उसनूं लै के की उम्मीदां जताईआं जा रहीआं, कांग्रेस च किस तरह दा उत्साह? कल मुख्यमंत्री साहब ने कोटकपुरे आउणा, सो उत्थे वर्करां नूं अड्रैस करना। मैं समझदा कि कांग्रेस वर्करां विच बड़ा चाह है, बड़ा उत्साह है ते खास करके जिले दे लोकां च बड़ा उत्साह है, क्योंकि किहो जिहा मुख्यमंत्री है जिहड़ा हरेक दी गल सुणदा, हरेक दा कम करदा, हरेक दे दुख सुख विच जांदा। तो मैं समझदा कि बड़ी देर बाद पंजाब विच इहो जिहा मुख्यमंत्री लोकां नूं देखण नूं मिलिया जिहड़ा लोकां दा मुख्यमंत्री होवे। सो लोकां च बड़ा उत्साह है, कांग्रेस वर्करां च बड़ा उत्साह। किस तरह दीआं उम्मीदां कर रहे हैं आपां उहनां दे दौरे नूं लै के? यार दब के कांग्रेस पार्टी जिस जिले विच कम चल रहा, डिवेलपमेंट तगड़े हो के हो रही है, मैं ये नहीं कहिंदा मेरे नाल कोई विरोधी सज्जन टेबल ते बह के प्रैस सामने बहस कर ले। जिन्ना पैसा साढ़े चार सालों फरीदकोट जिले च लग्या तो खास करके फरीदकोट हल्के च लग्या, जे पिछले 25 सालों इन्ना लग्या हो मैं सरदार जी इलैक्शन नहीं लड़दा। देखो जी, सरदार चरणजीत सिंह चन्नी साहब और ने जदों तो पंजाब सरकार की वागडोर संभाली है और सारी पार्टी के पार्टी वर्करां दे विच बहुत वड्डा उत्साह भरिया गया, क्योंकि ये एक आम लोगों के विचों विचरे हुए नेता और पहला म्यूनसिपल कमिश्नर रहे, फिर कमेटी के प्रधान रहे और उस तो बाद लोगों के विचर के ही ये नेता बने, मंत्री रहे और लोगों के जेडे उन्होंने काम किए, खास करके बिजली के बिल माफ़ किए और बिजली का जरा दर घटाइया
उहदे च सब तो वड्डी गल जिहड़ी कीती है इह पहली वारी होई है कि जनरल वर्ग नूं भी इहदे विच छोट मिली है। सो सारे वर्ग ही बड़े उत्साहित है और इन्हां गल्लां तों क्योंकि लोकां वल्लों इस गल दी तारीफ हो रही है और उहदे नाल जिहड़े कांग्रेस दे वर्कर है उहनां च बहुत वड्डा उत्साह भरिया जा रहा है। सो अज दे जमाने च जिस तरह पहलां लगदा हुंदा सी वी जो 2 कु महीने रहि जांदे सी सरकार वोटां पैण दे विच ते लोकी उल्ट होणे शुरू हो जांदे सी, पर हुण इस वार जिहड़ा सगों लोकां दा रुझान ज़्यादा सरकार वल हो रहा। सो उहदे करके कांग्रेसी वर्करां च बहुत वड्डा उत्साह ते बहुत वड्डा इकट्ठ उहनां दे स्वागत दे लई चन्नी साहिब दे कोटकपुरा विखे होऊगा। बहुत मैं समझदा बहुत ज़्यादा उत्साह क्योंकि बड़ी लंबी देर तक जिहड़े कांग्रेस पार्टी दे वर्कर सी उन्हां दे चरणजीत सिंह चन्नी दे आउण नाल सर नवजोत सिंह सिद्धू दे प्रधान बनण दे नाल एक नवां उत्साह जागिया। बड़े लोग नेड़े तो हो के उन्हां दे विचार सुनना चाहुंदे ने और मैं ये भी बेनती करदा कि जिथे साडे फरीदकोट की इत्थे नुमाइंदगी साहब कुशलदीप सिंह ढिल्लों प्रधान पंजाब मार्क फैड ओह कर रहे ने उत्थे कोटकपुरे ते जैतो दा भी जिहड़ा हैगा उह छेती उन्हां नूं जिहड़ा आउण वाले साडे इलैक्शन लड़ाउण जा रहे आ उन्हां दा भी जरूर इस देश फैसला करना चाहिए। देखो लोगों के मन के है भी कल आने जरूर कोई ना कोई वह सू संदेश दे के जाएंगे। जेड़ा कल साढ़े सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का कोटकपुरे हल्के का दौरा है इन उम्मीद है कि पूरे मालवे की दशा तो राजनीति की दिशा ये दोनों चीज़ा बदल जाएगी क्योंकि जेडे पिछले 4.5-5 साल के कांग्रेस पार्टी ने विकास के काम किए ने यह उन्होंने गति रफ्तार तेज़ होर कर ली। जिहड़ा साडा दौरा मुख्यमंत्री साहब का इन्हें नाल कल्ले फरीदकोट जिले में नहीं पूरे मालवे में एक बहुत वड्डा हंगारा मिल जा रहा है तो इतों पूरिया दियां पूरिया जिन्नियां भी साडे मालवा बैल्ट दियां सीटां ने वो कांग्रेस वड्डी मेजोरिटी नाल जितूगी। पिछले 4.5-5 साल तो ही विकास की गति भावें कोटकपुरा होवे भावें जैतो होवे भावें फरीदकोट होवे उन्हां दी योग अगवाई थले चल रही है तो उस तो बाद जिहड़े साडे फरीदकोट हल्के दे विधायक ते पंजाब दे मार्कफड़ दे चेयरमैन ने इन्हां दी पूरे जिले उत्ते हमेशा सवली निगाह रही है भावें जैतो हल्का होवे भावें कोटकपुरा होवे चाहे फरीदकोट होवे इन्हां दी अगवाई दे थले पारदर्शता तरीके दे नाल जिहड़े विकास दे काम बड़े सुचज्जे तरीके नाल कराए गए। एक बार तुहानू बेनती कर देवां कि अगर तुसीं साडे चैनल ते अज नवें हो ते हाले तक साडा चैनल फॉलो नहीं कीता तां कृपा करके इस नूं फॉलो कर लो तां कि जदों भी असीं कोई वीडियो पाईए तां तुहानू उसदा पता लग सके। साडियां खबरां साडा तरद्दद साडियां कोशिशां